उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार को लोकसभा टिकट दिया जाएगा, ऐसी बात पहले निकलकर सामने आ रही थी और आखिरकार इस पर मुहर लगी। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर ही बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी है तो वे जितने अस्वीकार कर दिए गए लोग हैं उन्हें लेकर झुंझुना बजा रही, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने यह कहा कि ये बात तो बीजेपी के ऊपर भी लागू होती है। बहुत सारे लोग थे जो कांग्रेस पार्टी में हार गए थे और अब बीजेपी में उनका रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुंझुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हरा। ये बात तो उनके ऊपर भी लागू होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में चुनाव हार गए थे और अभी जो है पलक पांवरे बिछा करके जो है रेड कारपेट बिछा करके उनका भाजपा में स्वागत किया जा रहा है। हम यही कहते हैं कि आपकी बात में ना एक सच्चाई होनी चाहिए, एक ईमानदारी होना चाहिए। आप न्यायपूर्ण बात करें, आप ऐसी बात करें जिससे जनता को हंसी ना आए। अब बताइए वो किस मुंह से ये बात कह रहे हैं जब वो खुद ही जो है कांग्रेस के कई सारे जो हारे हुए नेता हैं उनको ईडी का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके भाजपा में शामिल करा लिया है। तो मुझे लगता है कि ये सब भटकाने वाली बात है। वो इसी तरह के भटकाने वाले बयान देंगे, वो इधर उधर की बात करेंगे, हम रोजी रोटी कपड़ा मकान पे टिके रहेंगे, हम आम लोगों के विकास के सवाल पे टिके रहेंगे।